संतन आए हैं उस सबको आपकी तरफ से विश्वास हो गया है कि 350 प्लस इस बार आप लोग कर दोगे, जोधपुर में 900 कर दोगे। ऐसे से सरकार और संगठन की ओर से आपका अभिवादन करते हुए दो तीन बातें, क्योंकि आप बहुत देर से ठंड में बैठे हैं, दो तीन बातें कहके के अपनी बात समाप्त करूंगा। आप ये बताइए कि योगी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार जो आपने बनाई उसके बाद में गुंडाराज खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? खत्म हुआ है ना? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हुई है कि नहीं हुई है? रात में भी आ जा सकती है। हमारे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार चार बार रही उत्तर प्रदेश में, वोट आपका और मुख्यमंत्री कौन? समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर के। वोट आपका और मुख्यमंत्री कौन? और प्रदेश अध्यक्ष कौन? उनके घर पे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? उनके घर पे। वोट आपका, सत्ता चलाएगा एक परिवार, समझ रहे? वोट आपका, सत्ता चलाएगा एक परिवार। ऐसे ही बहन जी की, वोट आपका और मुख्यमंत्री बनेगी बहन जी। आपका कोई भाई, आपका कोई परिवार का, आपका पड़ोस का अगर कोई व्यक्ति इन दोनों दलों में अगर काम करता है तो जीवन भर करता रहे, आपका वोट भी लेंगे, लेकिन आपके भाई को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे किसी भी कीमत पर। यह दल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि हमारे झोपड़ी झोपड़ी में रहने वाला कार्यकर्ता अगर काम करता है निष्ठा के साथ तो वो इस दल में प्रधानमंत्री बन सकता है, इस दल में मुख्यमंत्री बन सकता है। ये दल ऐसा दल भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता पार्टी, ये दल जिंदाबाद है, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यक्ति को भी राजभवन भेज सकता है। ये दल ऐसा है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति बना सकता है। ये दल ऐसा है कि यहाँ प्रदेश का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आपका भाई, आपका परिवार का व्यक्ति अगर इस दल में काम करता है तो मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन सकता है। ये दल ऐसा है। मित्रों, इस बात में आप सबसे कहना चाहूंगा, हमारे गरीब परिवार के नौजवान जब टेस्ट देते थे और क्वालिफाई कर जाते थे समाजवादी सरकार में, क्या होता था फिर? उसके चाचा की लिस्ट आता थी, ताऊ की लिस्ट आती थी, परिवार की लिस्ट आती थी, बड़े मंत्रियों की लिस्ट आती थी, और हमारा होनहार बच्चा जो डीएमटी लाइट में पढ़ करके उसने अपना समय पूरा निष्ठा के साथ बर्बाद करके जो टेस्ट क्वालिफाई किया है वो लिस्ट फाड़ दी जाती थी और उनके परिवार की लिस्ट टंग जाती थी। क्यों? कि आपके पास पैसा देने के लिए नहीं था, इसलिए आपकी लिस्ट फट जाती थी और गरीब परिवार के बच्चे हमारे रह जाते थे। योगी जी की सरकार आने के बाद, मोदी जी की सरकार आने के बाद किसी भी हमारे राष्ट्रीय या बड़े से बड़े नेता की हिम्मत नहीं कि वो सूची बना करके अपने परिवार के बच्चे का भी नाम दे दे। हमारा गरीब परिवार का बच्चा, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला अगर होनहार बच्चा है और कोई टेस्ट क्वालिफाई करता है तो 100% नौकरी उसकी, कहीं किसी की कोई लिस्ट नहीं लगती। हमारे उत्तर प्रदेश में 5 साल होने को जा रहे हैं, केंद्र में 7.5 साल हो गए हमारे, किसी भी मंत्री पे, उत्तर प्रदेश में किसी भी मंत्री पे, हमारे पे केंद्र में आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। पिछली सरकारों का भ्रष्टाचार का पैसा कल तक निकल रहा है, आगे भी अभी निकलेगा। आप लोगों ने देखा होगा दीवालों में चिना हुआ पैसा निकल रहा है भ्रष्टाचार का, पिछले सरकारों का। ये है आपकी गाड़ी कमाई का पैसा दीवारों में चुन लिया जाता था, वही पैसा योगी जी बचा करके, मोदी जी बचा करके उसी पैसे से आपके उत्तर प्रदेश में एक्ट्रेस में बनवा रहे,
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, वही पैसे से आपको परिवार में गरीब परिवार के भाई जो मकान नहीं बनवा पाते उनको मकान बनाए जा रहे हैं, उनके शौचालय बनाए जा रहे हैं, बेटियों की पढ़ाई की जा रही है, बेटियों की गरीब परिवार की शादियां की जा रही है। आने वाले समय में हमारी सरकार आप लोग बनाएंगे, ये दृढ़ विश्वास हमको है, तो आने वाले गरीब परिवार की बेटियों की शादी हम कर ही रहे हैं, हम बेटियों की पढ़ाई भी निःशुल्क करने जा रहे हैं आगे, और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों हम से फ्री करने जा रहे हैं गरीब परिवार के भाइयों को। ये बहुत आप सब लोगों ने ठंड में बैठे हैं, समय का थोड़ा अभाव है, कहने को तो एक केंद्र प्रदेश सरकार की योजना इतनी है, एक घंटे डेढ़ घंटे हमारा कोई भी पदाधिकारी हमारा कोई भी मंत्री बखान कर सकता है। एक निवेदन आपसे करना है, पिछली अगर हमारे चुनाव में देखें तो थोड़ी भूल हमारे यहाँ हुई थी, 9 में से सीट कुछ कम कर दी थी आप लोगों ने, इस बार 350 का आंकड़ा कब पार होगा, जब 9 के 9 जौनपुर की विधानसभा कमल के फूल में चली जाएंगी तो हमारी 350 प्लस हो जाएगी। पहले हमने 265 प्लस का नारा दिया था, 325 सीट आप लोगों ने दी थी, इस बार 312 का नारा हमारा है। दृढ़ विश्वास है ठंड में आप लोग जिस तरह जमे हुए हैं, हमें भरोसा है कि आप 350 कर दोगे और 9 जौनपुर की 9 के 9 विधानसभा आप भाजपा की झोली में दे दोगे। आप सभी के चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी।